खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये इन बच्चों ने क्या कहा? भाई यहाँ कर तो हर कोई सलाम करता है। भाई बच्चों से बहुत बड़ी गलती हुई है। ये सरहंद के नवाब वजीर खां का दरबार है। यहाँ आकर कोई भी शख्स किसी गुरु की फतेह नहीं बुला सकता। चलो बच्चों, नवाब साहब से माफी मांगो और अदब से सर झुकाकर सलाम करो। हम वाहेगुरु में ही यकीन रखते हैं, उस परमात्मा आगे ही झुकते हैं जो आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर बसा है। उसके बिना हम अपना सर और किसी के सामने नहीं झुकाते। ये काफिरों की बोली है। काफिर वो जो तलवार की नोक पर अपना धर्म किसी पर थोपे। काफिर वो जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। जो ईमान का पक्का वही सच्चा मुसलमान। जिसके दिल में दगा वो काफिर बेईमान। अच्छे लफ्जों में हमें बेईमान कह रहे हो? अब हमें हमारे धर्म की शिक्षा दोगे? हमें तो हमारे सिख धर्म का पता है काजी साहब, हमारा धर्म किसी को गुलाम नहीं बनाता। हमारे गुरु पिता ने हमें यही सिखाया है। बच्चों, तुम्हारे गुरु पिता को गिरफ्तार करने के लिए मेरे सिपाही चारों दिशाओं में फैल चुके हैं। जैसे रोशनी को कोई कैद नहीं कर सकता, वैसे ही गुरु पिता को पकड़ने वाला सूरमा अभी पैदा नहीं हुआ। वो चमक है उनके चेहरे पर कि लोग अपनी मर्जी से उनको झुककर सलाम करते हैं। अगर आपका भी कभी उनसे सामना हो गया तो आपका सर भी अपने आप उनके आगे झुक जाएगा। क्या हुआ खान साहब? गुरु पिता के दर्शन हुए लगते हैं। खामोश। बच्चों, अब तुम हमारे पास रहो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी की जाएगी। वैसे भी अब तुम जाओगे कहां? शायद तुम्हें पता नहीं कि अनंतपुर उजड़ चुका है। तुम्हारे पिता को हमने पकड़ लेना है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई अजीत और जुझार चमकौर की लड़ाई में मारे जा चुके हैं। आपका क्या यकीन करना, आपकी तो नीयत ही ठीक नहीं है खान साहब। बिना किसी जुर्म हमें बुर्ज में कैद किया हुआ है। हाँ साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चों। इनका धर्म कबूल करो, नहीं तो अपने भाइयों की तरह मारे जाओगे। हमारे धर्म ने हमें मरना पहले सिखाया है, इसलिए हमें मौत का डरावा मत दो। बच्चों, मौत की नहीं, जिंदगी की बात करो। तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। रहने के लिए ऐशो आराम और महल, राजकुमारों की तरह ठाट बाट। और अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो तुम मुझे याद करवा देना। हा? याद दिलाता हूँ, वो याद दिलाता हूँ जो मेरे दादाजी गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था उन कश्मीरी पंडितों को, जिन्हें उनके धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। दादाजी ने कहा था, उन जालिमों को कहो पहले गुरु का धर्म बदलो, अगर गुरु ने धर्म बदल लिया तो तुम सब भी खुशी खुशी धर्म बदल लोगे। हाँ हाँ, याद है। तो फिर जिनके दादाजी ने किसी का धर्म बचाने के लिए अपना शीश दे दिया, आप उनके पोतों को अपना धर्म कबूल करने के लिए कह रहे हो? सोच लो, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे? उसकी ही विधवा, मतलब तुम्हारी दादी अभी जिंदा है। अब क्या करना है, जाओ उसके साथ मशवरा करो, कल तक की मोहलत है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ये तो बड़े बड़ों को चुप करा दे।